इंडिया की क्रिकेट टीम में कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जिनका शुरुआत से ही विवादों से नाता रहा और इनमें सबसे पहला नाम पूर्व क्रिकेटर एस श्रीसंत का आता है। कभी इन्हें मैदान पर हरभजन सिंह से थप्पड़ खाना पड़ा तो कभी मैच फिक्सिंग के आरोप में जेल तक जाना पड़ा। हालांकि इन आरोपों से श्रीसंत अब निकल चुके हैं, लेकिन अब फिर एक बार श्रीसंत बड़ी मुश्किल में फंस गए। दरअसल केरल के सतीश गोपालन नाम के एक शख्स ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। मामला यह है कि केरल के कन्नूर जिले में रहने वाले सतीश गोपालन ने एस श्रीसंत और दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। उनका कहना है कि 2019 में राजीव कुमार और वेंकटेश केनी ने उनसे 18 लाख रुपए ये कहकर लिए थे कि वे स्पोर्ट्स एकेडमी बनवाएंगे। इसमें श्रीसंत उनके तीसरे पार्टनर होंगे। ये एकेडमी कोल्लूर में बनाई जानी थी, लेकिन अभी तक एकेडमी की नींव भी नहीं रखी गई। सतीश ने यह भी बताया कि श्रीसंत पैसों के लेन देन में शामिल नहीं थे, लेकिन उनका नाम लिया गया और इसीलिए उन्होंने पैसा लगाया था। सतीश के आरोपों पर पुलिस ने वेंकटेश और राजीव सहित श्रीसंत के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया। श्रीसंत को इस केस का तीसरा आरोपी माना जा रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं हुआ, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 402 के तहत तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। श्रीसंत को इस केस का तीसरा आरोपी माना जा रहा है। हालांकि अब तक कुछ भी साफ नहीं हुआ, श्रीसंत इस मामले में आरोपी है या नहीं इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। वैसे आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब श्रीसंत के खिलाफ इस तरह के मामले सामने आए हैं। इससे पहले 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंस्टाफीड, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कीजिए।